हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच दिस इज नितेश भारद्वाज जैसा कि आपको पता है प्लस टू फिजिक्स का टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए हम थर्ड यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म का आज फोर्थ चैप्टर जो है पढ़ने वाले हैं और आज के वीडियो के साथ जो है हम इस यूनिट को जो है खत्म करेंगे और उसके बाद जो है मंडे से नेक्स्ट यूनिट की तरफ प्रोसीड करेंगे आइए तो बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं चैप्टर का नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से बन सकते हैं फॉर्मूला डायरेक्ट एग्जाम के रूप में पूछा जा सकता है टेट में भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है बोहर मैग्नेटन का फॉर्मूला क्या रहता है तो फार्मूला रहता है इसका म्यू बी विच इज इक्वल टू ई एच ओवर फोर पाई एम जहां पर ई क्या है हमारे पास चार्ज है और ये जो म्यू बी है ये क्या है ये है अटोमिक डाइपोल मोमेंट क्या है ये अटोमिक डायपोल मोमेंट ये हर चीज आपको जो है पता होनी चाहिए एग्जाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट की पॉइंट रहता है इस चैप्टर का क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल का वो रहता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इस पर से जो है एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन तो इसे ध्यान से देखिएगा आई से जो है इसे डिनोट किया जाता है विच इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय वी एम ऊपर होगा एम बाय वी ये रहता है फार्मूला किसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जहां पर आई क्या है इंटेंसिटी एम क्या है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या फार्मूला है एम क्रॉस टू एल वी क्या है हमारे पास वॉल्यूम है मान लीजिए अगर लेंथ टू एल है तो वॉल्यूम क्या होगा टू एल क्रॉस टू एल क्रॉस टू एल ठीक है तो यहां पर मैं लिख देता हूँ एरिया इन लेंथ लेंथ लिख ली टू एल क्योंकि एरिया क्या होता है साइड क्रॉस साइड तो इस ट्वेल्व से ये ट्वेल्व देखिए कैंसिल हो गया तो कितना आ गया एम डिवाइडेड बाय ए कैपिटल ए है तो कैपिटल ए लिखिए यहां पर ये ए क्या है दिस ए इज एरिया एंड दिस इज मैग्नेटिक स्ट्रेंथ स्मॉल एम है क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है आइदर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वन पोल क्रॉस द डिस्टेंस बिटवीन दम टू पोल और डिस्टेंस कितना रहता है नॉर्थ और साउथ पोल के बीच मक्का 12 से उसे किया जाता है। तो फाइनल देखे, के दो आ गए। वॉल्यूम दूसरा आया स्मॉल एम ओवर ए स्मॉल एम है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एरिया न्यूमेरिकल इसके ऊपर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो फॉर्मूला यूज करके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं वो आपको आना चाहिए तीसरा देखिए अब इसका जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट बनता है इसकी यूनिट किसकी इंटेंसिटी की इंटेंसिटी की यूनिट क्या रहने वाली है हमें पता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट कितनी होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर वॉल्यूम की यूनिट बताइए एम क्यूब इसके साथ ये कैंसिल कितना आ गया एम्पियर मीटर इनवर्स दिस इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम इनवर्स तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए एग्जाम में ऐसी छोटी छोटी चीजें ही पूछी जाती हैं ठीक है अब देखिए एक चीज आपको मैं यहां पर बता दूं ये जो यूनिट आई हमारे पास आई ये जो यूनिट है ये किसकी तरह से है? मैं ये है वैल्यू एच अब ये एच क्या है यह हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो प्रीवियस चैप्टर में जो है हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है प्रीवियस चैप्टर में एक टॉपिक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपोर्टेंट क्यू पॉइंट एच फोर्थ जो है इंपोर्टेंट क्यू पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक परमीएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या रिलेशन रहेगा देखिए म्यू आर विच इज इक्वल टू वन प्लस काई एम जहां पर म्यू आर क्या है मैग्नेटिक परमीएबिलिटी ध्यान दीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है एग्जाम में डायरेक्ट रिलेशन भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसके ऊपर ठीक है और न्यूमेरिकल भी यहां से बनते हैं मैग्नेटिक परमिलिटी म्यू आर आरेशन विद मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी के साथ जिसे काई एम से डिनोट करते हैं म्यू आर इज इक्वल टू वन प्लस काई एम यह रिलेशन आपको जो है आना चाहिए फिर से दोहरा हूं म्यू आर कहा जहां पर क्या है मैग्नेटिक परमीएबिलिटी और एम है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ये चीजें आपको पता होनी चाहिए अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट्स यानी डाया मैग्नेटिक क्या होते हैं पैरा मैग्नेटिक क्या होते हैं और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं इन तीनों का डिफरेंस भी आपको बताऊंगा यहां से जरूर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बाद करेंगे क्यूरी लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म और उसका क्या ग्राफ था क्या वेरिएशन उसने दी थी वो सारा कुछ जो है आज इस वीडियो में करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो है रहने वाली है आई होप ये फॉर्मूला जो है आपने नोट no डाउन कर लिए होंगे वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक like, शेयर करना ना भूलें और हां प्री आपको लगा होगा प्रीवियस चैप्टर हमने छोड़ दिया है आधा क्यों छोड़ा है उसका रीजन भी आपको बता देता हूं मैंने जो है प्रीवियस चैप्टर में कुछ एक दो क्वेश्चन आपको दिए थे और कहा था कि इन दो क्वेश्चन का आपको पता करके जो है कमेंट करना है तो आप में से किसी एक का भी रिस्पांस जो है उस वीडियो पे नहीं आया है उन क्वेश्चन पे नहीं आया है तो इसलिए जो है मैंने उस चैप्टर को हाफ चैप्टर करवाया है हाफ चैप्टर को स्किप कर दिया है इसलिए हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जो है प्रोसीड कर चुके हैं तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है सबसे पहले डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए डाया मैग्नेटिक सबस्टांस ठीक है उसके बाद पैरा मैग्नेटिक और तीसरे नंबर पे आता है फैरोमैग्नेटिक सबस्टांस बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है इन तीनों के आपस में और जरूर क्वेश्चन बनता है यहां पर तो ध्यान से देखिएगा डाया मैग्नेटिक सबस्टांस क्या होते हैं डायमैग्नेटिक सबस्टांस वे सबस्टांस होते हैं जिनका नेट डाइपोल मूवमेंट जो है नहीं होता दे डू नॉट हैव एनी नेट डाइपोल मूवमेंट डू नॉट हैव एनी नेट डाइपोल मोवमेंट और जब इन्हें जो है मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो ये फिबली बहुत कम मैग्नेटाइज होते हैं फिबली मैग्नेटाइज वेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ठीक है जब ऐसे सबस्टांस को डाया मैग्नेटिक सब्स्टांस को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो ये फिबली मैग्नेटाइज होता है यानी बहुत कम मैग्नेटाइज हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल बिस्मत डायमंड एक दो एग्जाम्पल और बता देता हूं लेड, लेड हो गया हमारे पास जिंक एटसेट्रा तो ये थे डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक वे सबस्टांस जिनका नेट डायपोल मोमेंट नहीं होता अबाउट देयर ओन एक्सिस ठीक है इनका खुद का अपना कोई नेट डायपोल मोमेंट नहीं रहता है उसके बाद देखिए जो थर्ड है हमारा थर्ड रहता है म्यू आर इज लेस देन वन क्या है ये जो म्यू आर है ये कम होता है है म्यू म्यू आर क्या बताया है मैंने आपको मैग्नेटिक मैग्नेटिकबिलिटी डाया मैग्नेटिक सबस्टांस की जो है एक से कम रहती है अब देखिए रिलेशन अब ने पढ़ा था म्यू आर विच इज इक्वल टू वन प्लस काई एम यहां से देखिए अगर आर एक से छोटा है तो ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ये भी क्या होगी नेगेटिव होगी किसकी डाया मैग्नेटिक सबस्टांस की जी हां डाया मैग्नेटिक में परमियाबिलिटी वन से छोटी रहती है और मैग्नेटिक सबिलिटी भी क्या रहती है नेगेटिव रहती है नेक्स्ट देखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं यहां से तो हमने देखा कि डू नॉट ने ने नेट मैग्नेटिक मूवमेंट या नेट डाइपोल ने मूवमेंट ठीक है लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो है ये वैल्यू रहती है दे हैव दे हैव नेट नॉन ने 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 जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट ठीक है इनका नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट रहता है और इनकी जो वैल्यू होती है म्यू आर की ये ग्रेटर देन रहती है तो अगर ये ग्रेटर देन रहता है तो इसका मतलब है जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है वो भी क्या होगी ग्रेटर देन वन यानी पॉजिटिव होगी और ये कौन से सब्सटेंस होते हैं लिखिए है, जैसे सिल्वर हो गया ठीक है एल्यूमिनियम हो गया माफ कीजिएगा सिल्वर नहीं होता है एलुमिनियम हो गया क्रोमियम हो गया मैग्नीशियम हो गया और ये जो है फिबली मैग्नेटाइज होते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहां पे लिख देता हूं फिबली मैग्नेटाइज होते हैं बट इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जब इन सबस्टांस को यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को जिनका अपना खुद का नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो फिबली मैग्नेटाइज होते हैं लेकिन किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक सबिलिटी पॉजिटिव रहती है परमियाबिलिटी भी पॉजिटिव रहती है और हाँ ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के यानी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मैग्नेटिक सबिलिटी जो है लूज होती है मतलब मैग्नेटिक करैक्टर को जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लूज करते हैं विद राइज इन टेम्परेचर और जैसे अगर टेम्परेचर कम होगा तो मैग्नेटिक सबिलिटी ज्यादा होगी यानी ये ज्यादा मैग्नेटिक करैक्टर को जो है शो करेंगे तो आप देखिए डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में क्या डिफरेंस रहता है अब तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस पैरा सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस के इसमें रहती है ठीक है सेम ऑफ पैरामैग्नेटिक लेकिन डिफरेंस क्या रहता है जब इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ये हाईली बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाते हैं स्ट्रोंगली मैग्नेटाइज मैग्नेटाइज हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ठीक है और पैरा मैग्नेटिकली मैग्नेटाइज होते हैं बस यही एक डिफरेंस इन दोनों में बाकी फैरोमैग्नेटिक सबस्टांस की जो प्रॉपर्टीज होती है सारी की सारी पैरामैग्नेटिक सबस्टांस की प्रॉपर्टीज की तरह ही रहती है इसका मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूं जैसे आयरन हो गया कोबाल्ट हो गया निकल हो गया एटसेट्रा ये सबस्टांस जो है फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस कह रहे हैं सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है पैरामैग्नेटिक की सो करते हैं तो आई होप आपको डायमैग्नेटिक सबस्टांस पैरामैग्नेटिक सबस्टांस और फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा तीसरा अब देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं क्यूरीला ऑफ मैग्नेटिज्म क्यूरी ने कौन सा लॉ दिया था मैग्नेटिज्म का इन्होंने कहा था कि ये जो इंटेंसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है के मतलब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी डि अब हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड जो है एच के बराबर होती है तो इसे एच लिख सकते हैं इसका क्या इंप्लाइज हुआ आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच बाई टी ठीक है अब देखिए ये है क्यूरी लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म इसका क्या मतलब हुआ अब हमारे पास अगर देखिए एच को डिवाइड कीजिए कितना आएगा आई डिवाइड बाय एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन ओवर टी ये जो आई डिवाइड बाय एच होता है ये कहलाता है हमारे पास मैग्नेटिक सबिलिटी यानी काई एम इसका क्या मतलब हुआ ये जो काई एम है ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के जो हमने अभी यहां पर पढ़ा था कि काम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के किस केस में पैरामैग्नेटिक के केस में क्यूरी लॉ भी यही जो है डिडक्ट करता है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के जब इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी यहां से हट जाती है तो हमारे पास आता है सी डिवाइड बाई टी जहां पर सी क्या है क्यूरी कॉन्स्टेंट ठीक है तो आई होप ये क्यूरी का लॉ भी जो है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये इन्होंने जो है कौन सा लॉ दिया था इन्होंने कहा था कि जो इंटेंसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के ठीक है वहां से हमने डिडक्ट किया काई एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यानी अगर हैचर इंक्रीज करेगा तो काई एम डिक्रीज करेगा मैग्नेटिक करेक्टर जो है लूज करेगा सबस्ट अब यहां पर जो है एक मेन इंपॉर्टेंट चीज रहती है कई बार एग्जाम में जो है इसका ग्राफ भी जो है पूछ लिया जाता है तो ग्राफ के रूप में भी मैं आपको बता देता हूं हर दिस साइड इंटेंसिटी एंड दिस साइड इज एच t जहां पर h क्या है b के बराबर रहता है तो इसका क्यूरी लॉ का जो ग्राफ रहता है वो इस तरीके का ग्राफ रहता है मतलब क्या रहता है कि एट लो टेम्परेचर और हाई मैग्नेटिक फील्ड ठीक है कि लो टेम्परेचर पे और हाई वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में जो है इंटेंसिटी मैक्सिमम रहती है ये जो ग्राफ है ये शो करता है यानी एट हाई टेम हाई फील्ड एट हाई मैग्नेटिक फील्ड एंड लो टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ द इज मैक्सिमम तो आई होप जो है मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन और मैग्नेटिक मटेरियल के जितने भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको लिखा है आपने नोट no डाउन कर लिए होंगे फिर भी इस पूरी यूनिट की पी आपको चाहिए तो उसका भी प्रावधान है उसके लिए आप हमें हमारी व्हाट्सएप आई डी जो है मैसेज कर सकते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद जय हिंद जय भारत